दोस्तों, क्या आप कोई किराना स्टोर रन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल परचेज में हैं, आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, तो आज के दिन आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद हर कोई ऑनलाइन परचेज करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। और अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं आया तो बहुत सारी सेल्स आप मिस कर दोगे, आपके बहुत सारे कस्टमर किसी और के कस्टमर बन जाएंगे। आप आज के दिन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं रेदर देन कि किसी दुकान पर जाकर शॉपिंग करना, और धीरे धीरे ये लोगों की लाइफ स्टाइल बन जाएगा। उस समय आपके लिए अपने बिजनेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों, आपको अगर अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आ सकते हो, किस तरीके से आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हो, और कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। देखते रहिए इस वीडियो को, फ्रेंचाइजी बताऊं मैं। मेरा नाम है आशीष अग्रवाल, आई एम द फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ डॉट कॉम। फ्रेंचाइजी बताओ पर मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज और फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी लेकर आता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में टाइप करना है फ्रेंचाइजी बताओ, एंड देन आप सर्च कर सकते हैं कि वहां पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया जो आज हम आपको देने जा रहे हैं, वो बिजनेस आइडिया आपके बिजनेस की ग्रोथ का। आप भले किसी भी बिजनेस में हो, अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट है और साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप अपनी सेल्स को 3 गुना तक आगे बढ़ा सकते हैं। 300% तक की ग्रोथ सिर्फ आपकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनने से हो सकती है। लेकिन ये कैसे होगा, ये भी हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों, छोटे बिजनेसमैन के पास वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाना या फिर वेबसाइट बनाना लाखों रुपए का खर्चा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको 2 ऐसे ऑफर दूंगा जो आप डिनाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो नॉर्मली मार्केट में 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की बनती है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस पर होगी, दोस्तों ये ई कॉमर्स वेबसाइट आपको मात्र 5,000 रुपए में मिलेगी। 5,000 रुपए में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मिलेगी जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज लिस्टिंग कर सकेंगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरीज में हो। सबसे ज्यादा आज के दिन जो कैटेगरीज रन कर रही हैं, सबसे पहले किराना ग्रोसरी स्टोर्स। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है, अगर आप ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस का मोबाइल एप्लीकेशन और साथ साथ वेबसाइट जरूर डेवलप कराएं, क्योंकि आपका क्लाइंट आज के दिन घर बैठा हुआ है और वो ये चाहता है कि वो घर से ऑर्डर करे, उसे दुकान तक ना आना पड़े। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इसीलिए हम लेकर आए हैं कि आप ऑनलाइन आ जाए, नहीं तो कल आपका ग्राहक कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिग बास्केट है, अमेजन है, जियो मार्ट है, ऐसे बहुत सारे नए नए ऑप्शंस उनके लिए आ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन आ गए तो आपका जो रेगुलर कस्टमर है वो आपका रेगुलर बना रह सकता है, और साथ ही साथ आप नए कस्टमर्स के लिए ओपन अप हो सकते हैं। हर कोई ये चाहता है कि वो लोकल परचेजिंग करे, कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता है। दोस्तों, कोई भी कस्टमर इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर तब जाता है जब उन्हें लोकली कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता या फिर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। इसलिए आपको अपने बिजनेस की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। सो आपको ऑनलाइन लेकर आ रहा है फ्रेंचाइजी बताओ इन एसोसिएशन विद एक्यूब डिजिटल एट द रेट 5,000 रुपीज ओनली। मात्र 5,000 रुपए में आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी, और साल भर कोई भी मेंटेनेंस आपसे चार्ज नहीं लेंगे। दोस्तों, पूरे साल का 0 मेंटेनेंस, मात्र 5,000 रुपए में आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट बनवाते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बो आपको मात्र 20,000 रुपए में मिल रहा है। मात्र 20,000 रुपए में आपको एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ वेबसाइट मिल रही है जिनकी की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए से अधिक है। ये आपको 90% ऑफ में मात्र 20,000 रुपए में मिल रही है। दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर कोई आपका लॉयल कस्टमर है, कोई आपका रेगुलर कस्टमर है, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड जरूर करेगा। और जितने भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, आप ये मान लीजिए कि आपके उतने रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। और कस्टमर को रेगुलर कैसे बनाएं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके 300 से 500 रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं और एक कस्टमर से आप महीने का सिर्फ 250 या 300 रुपए भी कमा रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो आपको पहला सिर्फ ये फोकस करना है, किसी भी तरीके से आप मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट की मदद से अपने 300 से 500 कस्टमर्स बना लें। तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा 20,000 रुपए में, जहां पर कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल रहा है, जहां पर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट मिल रही है, आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिलते हैं, एसएमएस नोटिफिकेशन मिलते हैं, आपके कस्टमर्स के लिए
साथ ही साथ आपको स्कीम्स आप अपडेट कर सकते हो, ऑफर्स अपडेट कर सकते हो, डिलीवरी बॉय की एप्लीकेशन अलग से मिलती है जहां पर आप डिलीवरी बॉय आपका कहां पर है आप ट्रैक आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों इतना कुछ आपको मात्र 20,000 में मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको थोड़े से मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हैवी प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे भी फिल आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप भले ही ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो, आप भले ही गिफ्ट शॉप चला रहे हो, आप भले ही आपकी शूज की शॉप हो, आपकी टाइज की शॉप हो, गारमेंट शॉप हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन जरूर लेकर आए क्योंकि जब तक आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं आएगा तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों जो आज की सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन परचेज करना ही पसंद करेंगे। वैसे में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं रहा तो वो किसी और बिजनेस से परचेज करेंगे और आपका ग्राहक भी कहीं और मूव कर जाएगा। तो आपको चाहिए कि अगर आपका 20,000 का बजट नहीं भी है देन आप ओनली 5,000 रुपए में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर बनवा लें और फ्यूचर में जब आप ग्रो करें देन आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप मोबाइल एप्लीकेशन प्लस में वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपका कस्टमर रेगुलर कैसे रहेगा। दोस्तों कस्टमर को रेगुलर रखने के लिए आपको उसे कहीं ना कहीं बांध के रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऑफर देने पड़ते हैं। आप ऐसे 2 से 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा सेल्स है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, उसके ऊपर आप कम से कम प्रॉफिट कमाएं या हो सके तो प्रॉफिट ना कमाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों की नजर सबसे पहले उनकी सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज पर जाती है और वहां पर अगर उन्हें वो चीज सस्ती मिली तो वो बाकी चीज की तरफ शायद प्राइसिंग देखते भी नहीं है और सिर्फ परचेज करते चले जाते हैं। तो आपको जो जहां पर आपने थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाया है उस अमाउंट के ऊपर बाकी चीजें आपकी परचेज होती जाएंगी और वहां पर आप प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो ये तो आपकी हुई वन टाइम परचेज, हो सकता है सेम स्ट्रेटेजी कोई और भी अपनाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने कस्टमर्स को 3 महीने रेगुलर का एक बोनस देंगे कि 3 महीने रेगुलर अगर आपके ऐप से किसी ने 5,000 रुपए की परचेजिंग की, 3,000 रुपए की परचेजिंग की, तो आप उसे एक छोटा सा गिफ्ट दें। दोस्तों आप उसे एक स्पेशल गिफ्ट देंगे, ये गिफ्ट हमेशा गिफ्ट के रूप में होना चाहिए, कैश के रूप में नहीं होना चाहिए क्योंकि कैश दोस्तों आपकी जेब में जितना भी चला जाए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन गिफ्ट अगर आपके घर पे छोटा सा भी आया है तो आप उसे 10 बार देखोगे और 10 बार आप रिकॉल करोगे, आपका ब्रांड रिकॉल होगा और बार बार जितनी बार अपने ब्रांड को रिकॉल कराओगे उतनी बार आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको 3 महीने पर और 6 महीने पर हो सके तो एनुअली 3 बार आप अपने ग्राहक को गिफ्ट दे दीजिए। अगर 12 महीने तक कोई ग्राहक आपके पास रह गया तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग ग्राहक बन गया। तो इस तरीके से आप अपने ग्राहक को लंबे समय तक बांध के रख सकते हो। सो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएं। अगर बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस वाइप आउट हो जाएगा, आपका बिजनेस रेस से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने ई कॉमर्स के बारे में बताया, हमने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया, आप अपनी वीडियोज बनवा सकते हैं हमारे थ्रू, आप अपने लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा सकते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, हम आपकी फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर पूरी इंडिया में ओपन अप करवा सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि लोगों को पता चले कि इस समय जिस समय हम लोग एक मुसीबत की घड़ी में है उस समय भी कोई आपके साथ है और हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। सो दोस्तों ये वक्त है एक दूसरे को साथ देने का, आगे बढ़ाने का। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ.com। जय हिंद, जय भारत।